न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की चार बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बड़ी खबर रीवा से। भारत जोड़ो यात्रा सिंगरौली सीधी होते हुए जब रीवा बॉर्डर में पहुंची, गुड़ पहुंची, कल से वो यात्रा गुड़ में थी, परसों रात ही पहुंच गई थी। कल पीसी शर्मा यात्रा में शामिल हुए, उप यात्रा ये निकलकर आगे सतना पहुंचकर तमाम जगह से अंतिम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बुरहानपुर या इंदौर के पास मिलाने का प्लान है। कल पीसी शर्मा यात्रा में शामिल हुए, आज यात्रा रीवा शहर पहुंची। रीवा नगर निगम क्षेत्र पहुंचने पर महापौर अजय मिश्रा बाबा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, मुजीब खान, तमाम कांग्रेस के नेता शामिल हुए। यात्रा के समन्वयक कविता पांडे हैं और धीरे धीरे कर ये यात्रा रीवा शहर को क्रॉस करते हुए अब सतना पहुंच रही होगी, सतना बॉर्डर पर पहुंच रही होगी। यात्रा में तमाम लोग जुड़े और ये कवायद जो भारत जोड़ने की, कांग्रेस की जो ये कवायद है, इससे कहीं ना कहीं दूसरा आस्पेक्ट भी इसका पॉलिटिकल आस्पेक्ट है। लेकिन फिलहाल जिन मुद्दों को लेकर यात्रा आगे बढ़ रही है, गुड़ से चलकर जब रीवा पहुंची, रात में पड़ाव रीवा में रहा, फिर उसके बाद नगर निगम क्षेत्र होते हुए शहर के बीचों बीच निकलकर ढेकहा के रास्ते चुरहटा यात्रा पहुंची, जिसमें तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सेवा दल, महिला कांग्रेस सब इकट्ठे हुए और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। एकता का संदेश है, सद्भाव, भाईचारे, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे हैं और वही संदेश लेकर, तिरंगा लेकर, संविधान लेकर कांग्रेस की यात्रा आगे बढ़ रही है। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर, रिलायंस जियो मध्य प्रदेश में 5G टेलीकॉम सर्विस की शुरुआत इसी महीने उज्जैन में महाकाल लोक से करेगी। इसके बाद 5G सर्विस इंदौर, भोपाल समेत अन्य शहरों में शुरू होगी। कंपनी महाकाल लोक, खजुराहो, भेड़ाघाट समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर 5G सर्विस का फ्री वाईफाई जोन बनाएगी। मुंबई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जियो कंपनी की चर्चा के दौरान इस बात का निर्णय लिया गया। बता दें, नए साल में 2023 में 11-12 जनवरी को इंदौर में इन्वेस्टर्स समिट होना है। इसी के लिए, इन्वेस्टर्स को न्यौता देने के लिए शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को मुंबई गए हैं। यहां मुख्यमंत्री निवेशकों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, मिले उनसे और उन्हें आमंत्रित किया मध्य प्रदेश आने का। मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, ये मुख्यमंत्री का कहना था और पिछले कई बार से ये देखा गया कि इन्वेस्टर समिट और तमाम चीजें हुई, लेकिन जिस स्तर पर ये प्रयास होने थे, रोजगार के नए अवसर मिलने थे, वो उस दिशा में उतने बड़े प्रयास नहीं हो पाए। लेकिन फिर एक बार ये कवायद है, अगले साल जनवरी में, नए साल में हो सकता है मध्य प्रदेश को कुछ बड़ी उपलब्धियां मिलें, बड़ी चीजें मिलें, नया इन्वेस्टमेंट आए, देखना है क्या होता है। तीसरी खबर की बात करें, मंदसौर जेल में बंद रेप के आरोपी के साथ उसके तीन दोस्तों ने एक वीडियो बनाया है, टशन का वीडियो है। इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपलोड भी किया गया, कैप्शन दिया बहुत जल्द। वीडियो के बैकग्राउंड में पंजाबी सॉन्ग, जेल से लौटा तो पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा प्ले हो रहा है। इतना ही नहीं, तीनों दोस्तों ने पीड़िता के भाई को धमकी भी दी है कि अगर कोर्ट में गवाही दी तो सभी को खत्म कर देंगे। आरोपी 17 साल की लड़की के साथ रेप के आरोप में बंद है और साथ देने पर आरोपी की मां भी जेल में है। 3 नवंबर को पिपलिया मंडी के झोपड़ी पट्टी में 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी आसिफ और उसके सहयोग करने वाली उसकी मां भूरी खां को गिरफ्तार किया था, जिन्हें कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए थे। तब से जेल में है और ये जब जेल में दोस्त उसके मिलने पहुंचे थे और ये सोशल मीडिया में ये वीडियो बना के वायरल किया है। पीड़िता के भाई ने भी शिकायत दर्ज कराई है, जान से मारने की धमकी और अगर गवाही दी तो मार दिए जाओगे, इस तरह की धमकी दी गई है। और अब प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारी अगले दिन ही हो गई थी और हिंदूवादी संगठनों ने चक्का जाम किया था। और अब बुलडोजर चलने के बाद, आरोपी के घर में बुलडोजर चल चुका है, उसके बाद अब जिन लोगों ने धमकी दी उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले में शहर से देहात तक पुलिस परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन जारी है। बीते कुछ दिनों में कलेक्टर मनोज पुष्प के पास एम्बुलेंस चालकों की मनमानी करने की शिकायतें मिलती रही, लगातार शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में एसडीएमएस कैंपस के अंदर व बाहर खड़ी एम्बुलेंस के दस्तावेजों की जांच आरटीओ मनीष त्रिपाठी ने की। दुरुस्त रिकॉर्ड न मिलने पर 9 एम्बुलेंस वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है, वहीं 3 अन्य वाहनों को जब्त किया गया है। 9 नवंबर को कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर परिवहन विभाग और परिवहन सुरक्षा स्क्वाड ने संयुक्त रूप से संजय गांधी अस्पताल
में एम्बुलेंस के विरुद्ध सघन अभियान चलाया था और राजस्व भी वसूला, 49,500 राजस्व यहाँ पे वसूला गया, चालान किया गया और ये शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी। तो ये थी प्रदेश और विंध्य की चार बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, रीवा।